हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यूबडी। सीयूईटी 2023 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट निकाला है एनटीए ने, जिसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सिर्फ और सिर्फ कुछ डेट्स नहीं है जिसके अंदर जो एनटीए ने बताई हैं। अगर आपके फॉर्म में आपको अभी भी कुछ अपडेट करना है, कम कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, कम डोमेन सेलेक्ट किए हैं, बढ़ाने हैं या घटाने हैं डोमेन्स, या फिर जो है आपने यूनिवर्सिटीज हैं अभी तक जो सेलेक्ट करना चाहते थे वो नहीं कर पाए हो, सो इनसे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। एंड बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हैं यार, जिनको बच्चे ध्यान से नहीं समझते हैं, फिर अभी तक बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे थे, भैया अब तो मेरा यहाँ एडमिशन ही नहीं हो सकता, मैं तो ये सेलेक्ट करना भूल गया, वो सेलेक्ट करना भूल गया। भाई लास्ट 2 दिन का मौका मिला है इस फॉर्म में, पूरा सर्कुलर में बताने वाला हूँ क्या सिस्टम है, ध्यान से देखना। एंड ये कोई शॉर्ट्स नहीं है कि फटाफट स्क्रॉल करके निकल लोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखना भी सीखो, ठीक है। तो देखिए, 30 अप्रैल को ये नोटिस आया, मतलब रिसेंट नोटिस है, आज का ही नोटिस है। एनटीए ने क्या बोला है, यहाँ पे पूरी हिस्ट्री समझाई है कि भैया हमने 9 फरवरी से लेकर के 12 मार्च तक पहले डेट निकाली थी, उसके बाद हमने 30 मार्च कर दी, उसके बाद 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक हमने एडिट विंडो दी, उसके बाद 9 अप्रैल से लेकर के 11 अप्रैल तक हमने फिर से आप लोगों को जो है विंडो रीओपन की रजिस्टर करने के लिए ये सब हिस्ट्री बता दी। इंपॉर्टेंट यहाँ से स्टार्ट होता है कि 14,000 कैंडिडेट्स जो थे वो कुछ ना कुछ एडिट करना चाहते थे, बट लास्ट टाइम में ओटीपी नहीं आया। आपको पता होगा जब आप कुछ एडिट करते हैं एंड उसको सेव करना चाहते हैं, तब एक ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है, जिसको जब आप डालेंगे वहां पे ले जाके साइट पे, तब आपका जो है सबमिशन सक्सेसफुल होता है, तो वो नहीं हो पाया था। सो उसी के कारण क्या हुआ कि 14,000 बच्चे जो थे बीच में लटक गए थे। उन्होंने मेल वेल किया होगा, एनटीए को कांटेक्ट किया, तो एनटीए ने क्या किया है, आपको 1 मई और 2 मई, यानी आज 30 तारीख है, कल और परसों 2 दिन का समय दिया गया है। क्या क्या चीज आप कर सकते हो, ओपन द विंडो फॉर अपडेटिंग, एड रिमूव चेंज, टेस्ट पेपर जिन्होंने अभी तक कम किए थे वो ऐड कर सकते हैं, जिन्होंने ज्यादा किए वो रिमूव कर सकते हैं, किसी ने 3 किए थे बट दूसरे 3 करने हैं, या फिर 1 बदलना है तो वो बदल भी सकते हैं, यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हैं एंड अपने कोर्सेज ऐड कर सकते हैं 1 और 2 मई तक। देखिए अभी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूँ ड्यूबडी ऐप में, जो आपके स्क्रीन पे आएगा अभी, ठीक है। ड्यूबडी ऐप में हमने क्या बना रखा है कि ऑटोमेटिक आपको एलिजिबिलिटी पता चल जाएगी, ये कोर्स एलिजिबिलिटी है ना, यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपसे आपके 12th के सब्जेक्ट्स मांगे जाएंगे कि भैया आपके क्लास 12th में कौन से सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जो हमारी एल्गोरिदम है वो आपको ये बता देगी कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए 12th के बेसिस पे कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं, आर्ट्स के कौन से कोर्सेज में, साइंस के कौन से कोर्सेज में, बीए प्रोग्राम में है या नहीं है, सारी चीजें आपको बता देगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो अभी तक गलती हुई थी डोमेन सेलेक्शन में, अब नहीं होगी अगर इसको आप ध्यान से यूज करोगे ऐप को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी जो मैंने आप देखिए सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं ना, वो डाले हुए हैं एक जो नॉन मेडिकल वाला बच्चा होता है क्लास 12th में, पीसीएम इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस, जो मेरे पास सब्जेक्ट्स थे मैंने अपने सब्जेक्ट्स डाले हुए हैं। अब मैं गया कोर्स एलिजिबिलिटी में, ये भाई मेरे को ये बता रहे हैं कि साइंस के तुम 18 जो कोर्सेज हैं वहां एलिजिबल हो। कौन से 18 है, जो आपको पता है मैथ्स के 7 वाले हैं नॉन मेडिकल वाले, एंड इनएलिजिबल कहाँ हूं मैं, इनएलिजिबल सारे बायो वाले कोर्सेज में हूं। आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी में बायो चाहिए, एंड इसके अंदर बता भी दिया है कि आपके पास बायो नहीं है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर से आपको देखना कैसे है कि आप एलिजिबल कहाँ है एंड कौन से कोर्सेज आपको जो है सीयूईटी के अंदर फिल करने चाहिए। नीचे हो गया क्या है मेरे से, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसके अंदर मतलब यहाँ पे देखिए, अब स्टेट्स ऑनर्स मान लीजिए आप करना चाहते हैं, तो 12th वाले आप एलिजिबल तो हो, बट सीयूईटी में क्या सब्जेक्ट्स अपीयर करने हैं, आपके पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, या मैथमेटिक्स आप सीयूईटी में दो, इंग्लिश दो, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंप्यूटर साइंस में से कोई भी एक दो दे सकते हो, या फिर आप मैथ इंग्लिश फिजिकल एजुकेशन और इन तीनों में से कोई भी एक दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या है भैया, आपको पीसीएम जो है वो सीयूईटी के अंदर अपियर करना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस में सेम जो जो आपका मस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, वो सब आपके यहाँ पे दे रखे हैं जो आपको फॉलो करने हैं अगर आप सीयूईटी के अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। जो डोमेन यहाँ पे दे रखे हैं वो आपको एज इट इज फिल करने हैं,
अपने CUET के फॉर्म में। एंड अगर आपको भी अभी तक डाउट थी तो आई थिंक यहाँ पे आप रेफर करेंगे, उसके बाद आपकी ये डाउट क्लियर हो जाएगी। अब वापस आते हैं जो हमारा सर्कुलर है इसके ऊपर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बता रखी है कि 14th May के बाद से जो आपकी सिटी इंटीमेशन, मतलब कहाँ कौन से शहर में आपका एग्जाम होने वाला है, वो 14 मई के बाद, 14th May के बाद ये बताएंगे NTA। पहले ये डेट 30th थी अप्रैल की, लेकिन अब 14th May कर दी गई है ये। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन बाद आ जाएगा, 3 दिन आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आ जाएगा। देखिए अनाउंसमेंट ऑफ सिटी में क्या होता है कि आपके पोर्टल में ये बता दिया जाएगा कि कौन से शहर में आपका एग्जाम है, ठीक है, ताकि जो भी आपको वहां पे जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकें। नेक्स्ट क्या करना होगा, उसके बाद ये क्या करेंगे कि थोड़े दिन तक आपको अपना ये नहीं बताएंगे कि उस सिटी में आपका एग्जाम कहाँ पे है, कौन से सेंटर में है, कितने बजे है, वो सब आपका एडमिट कार्ड में ये लोग देंगे। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही जब ये बता देते हैं कि इस सेंटर में एग्जाम है एंड इस शहर में एग्जाम है, तो बच्चे या फिर बच्चे के पेरेंट्स वहां पे कुछ जुगाड़ लगाना चालू कर देते हैं, कुछ माल प्रैक्टिस जो होती हैं कि हम हैक करवा लेते हैं ये वो। तो इससे बचने के लिए NTA क्या करता है कि बताता ही नहीं है कि दिल्ली में है, जाओ दिल्ली में इतने सारे सेंटर है, ढूंढ लो कहाँ पे एग्जाम दोगे, ठीक है। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए क्या करेगा, जैसे आपका एग्जाम 25 तारीख को है तो वो 22 तारीख को आपको बता देगा भाई इस सेंटर में एग्जाम है, इतने बजे है, जाओ कर लो, 3 दिन में सेटिंग नहीं कर पाओगे ना। तो इन इन सब चीजों के लिए जो है आपको 3 दिन पहले दिया जाएगा, बट सिटी आपको 14 तारीख के आसपास बता दी जाएगी ताकि जो आप आने जाने के अरेंजमेंट्स है वो कर सकें। सो फ्रेंड्स आई होप सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। 2 दिन में फुल लाइव रहने वाला हूँ जब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगी ड्यूबडी चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप के ऊपर भी नोटिफिकेशन भेजता हूँ ड्यूबडी ऐप पे कि मैं लाइव आ गया हूँ, भाई कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बच्चे हमारे साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं एंड आई होप उनके जो फॉर्म्स हैं वो सही भरे गए हैं, कोई गलतियाँ अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे टेलीग्राम जो ग्रुप है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पे ज्वाइन कर लो। 2 दिन के लिए मैं एक्स्ट्रा एक्टिव रहूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालूंगा, क्योंकि 1 मई और 2 मई फिर से आपको 2 दिन दिए गए हैं। अगर इनका उपयोग नहीं किया फिर उपयोग नहीं कर पाओगे। डोमेन सिलेक्शन में दिक्कत है, यूनिवर्सिटी में दिक्कत है, कोर्स में दिक्कत है, भाई पूछ डालो, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे आपको। ऐप में चेक कर लो, खुद से समझ नहीं आ रहा है तो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको एफर्ट्स सही लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना, नहीं लग रहे तो आप जो भी कमियां रह रही हैं उनको कमेंट्स में बता सकते हैं, हम उनको पक्का सुधारने का प्रयास करेंगे एंड सुधारेंगे। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ रात को 11:55 में आप सभी लोगों के लिए।